हाँ जी, अब हम स्पेशल ट्रांजिट एंट्रीज में थर्ड पॉइंट पर आ गए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये समझते हैं आपके साथ अब हम। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, मैं आपको समझाऊं। अगर आप किसी एक्सपेंस की पेमेंट एडवांस में पे कर देते हैं, यानी उस करंट ईयर को आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपने आगे की पेमेंट इसी साल में कर दी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जो अगली पेमेंट है। इस करंट ईयर की पेमेंट आपने किसी खर्चे की पेमेंट की तो इस साल का खर्चा है वो। बट अगर किसी एक्सपेंस की पेमेंट जो कि नेक्स्ट ईयर में करनी थी, जो बिलोंग करता था नेक्स्ट ईयर से, उसकी पेमेंट अगर आप करंट ईयर में कर देते हैं तो करंट ईयर के लिए वो क्या कहलाता है, प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। जैसे टेलीफोन का बिल, आप टेलीफोन का बिल अगले साल के लिए अभी से जमा करा देंगे तो वो आपका क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट्स हैं, ठीक है। उन्हें रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये समझते हैं, ठीक है। और थोड़ा थ्योरेटिकली क्या समझना है यहां पर ध्यान देते हैं। देखिए हमने लिखा है एक्सपेंसेस विच रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल से रिलेट करते हैं, बट हैव बीन पेड, पर उनकी पेमेंट कर दी हमने ड्यूरिंग करंट ईयर। हमने इस साल में पेमेंट तो कर दी, पर वो बिलोंग किससे करते हैं, रिलेट किससे करते हैं, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं। हमने एडवांस में उनकी पेमेंट कर दी इस साल में, इन्हें हमने क्या कहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। अब अगली बात मैंने आपके यहां लिखी है, द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस, द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस विल बी रिसीव्ड, कब रिसीव होगा, विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब जो आगे की पेमेंट आपने अब कर दी तो उसका फायदा भी आपको आगे ही मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा पेमेंट आपने अभी कर दी तो फायदा भी मिल जाए, फायदा तो अगली बार ही मिलना है। जैसे मोबाइल का पेमेंट, आपने इस साल का पेमेंट किया, आपने अगले साल का पेमेंट अभी कर दिया, तो ऐसा थोड़ी ना, अगले साल का फायदा आपको अभी मिल जाएगा, अगले साल ही मिलेगा वो फायदा। इस साल की जो पेमेंट है वो खर्चा है, आगे की पेमेंट जो कर दी वो प्रीपेड एक्सपेंस है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या मानते हैं, एसेट मान के चलते हैं बिजनेस में। आइए एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल लिया है हमने, हमने कहा इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹1200 पेड ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर 1 ईयर, एक साल भर के लिए हमने पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस का 1 जुलाई 2017 को। तो देखिए आप एक बात समझिए, यहां पर आपने जब पेमेंट की, कब की आपने पेमेंट, यहां देखिए आपने यहां पेमेंट कर दी 1 जुलाई 2017 को, कितना, ₹1200 की पेमेंट कर दी साल भर के लिए की। साल भर का मतलब क्या है, मानो अगर ये पीरियड 31 मार्च है, इस दिन साल खत्म हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो पर पेमेंट हमने साल भर के लिए की है, यानी पेमेंट हमने कर दी है 1/7/18, या फिर आप 31/6/18 भी बोल सकते हैं, एक दिन का ही अंतर है। यानी आपने यहां से यहां तक का तो कितना पीरियड है, यहां से यहां तक तो केवल 9 महीने है, 9 मंथ्स। आपने अगले 3 महीनों की पेमेंट भी अभी कर रखी है, ये 3 महीने आगे हैं इनकी, ये जो अपने 3 महीने की पेमेंट एक्स्ट्रा कर दी है, ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या है ये प्रीपेड एक्सपेंस है। और ये जो आपने पेमेंट की है 9 महीने की, ये क्या है आपका, ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो देखो हमने सिंपल रखने के लिए ₹1200 का अमाउंट रखा था, यानी महीने का खर्चा कितना हुआ, ₹100 का। तो यहां पे ये एक्सपेंस कितने का कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जस्ट 900 का एक्सपेंस, ठीक है। और ये कितने का प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा, ₹300 का, जो कि हम एसेट ट्रीट करते हैं। अच्छा तो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, देखिए नॉर्मली तो जर्नल एंट्री तो होती है, जर्नल एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस, पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने इससे पहली एंट्री क्या की थी, अगर मैं बात करूं जो आपने ₹1200 की पेमेंट की, तो आपने एंट्री कर ली थी एक्सपेंस यानी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ₹1200 का खर्चा मान लिया था। उस खर्चे में से हम कह रहे हैं कि जो आपने ₹300 पे किए हैं ना, वो अगले साल के लिए, इसलिए खर्चे को कम कर दो। खर्चे को कम किया, ये किया कि हमने एक्सपेंस रिड्यूस कर दिया हमने, ठीक है। और क्या किया, एसेट बना दिया, एसेट क्रिएट कर दिया, या एसेट
इंक्रीज कर दिया, इसलिए ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हुआ। समझ में आया? क्यों प्रीपेड एक्सपेंस में खर्चे को रिवर्स करते हैं? क्योंकि जो आप इस साल का खर्चा मान के पेमेंट कर चुके हैं वो इस साल का खर्चा है ही नहीं, तो उसको वापस रिवर्स करो और जो एसेट बना है उसे डेबिट कर दो, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री ये हुई थी इससे पहले, इसीलिए ये एंट्री हमें करनी पड़ती है। चलिए, तो ये तो हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, इसे आपको समझ में आया, एग्जाम्पल भी हमने ले लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, अब डेप्रिसिएशन क्या है ये समझाता हूं आपको मैं। डेप्रिसिएशन हमने पहले भी डिस्कस किया आपके सामने, डेप्रिसिएशन है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर और सम अदर रीजंस। अब ये सम अदर रीजंस क्या हैं, इन्हें हम हमारे पास चैप्टर है डेप्रिसिएशन का वहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, यहां पर ज्यादा बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ये समझिए सिंपल वर्ड्स में, डेप्रिसिएशन क्या है, एक एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आ रही है, जो रिडक्शन हो रही है यूज के कारण और कुछ और भी कारण है, वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। अच्छा, डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या खर्चा है, एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई तो हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग में आप कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, आप करेंगे एसेट का अकाउंट, क्योंकि एसेट में ही तो नुकसान हुआ है जिसके कारण एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई और ये खर्चा बन गया। ठीक है, वैसे काफी नॉर्मल चीज है ये, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एसेट को एसेट ही क्यों कहा जाता है, इस पर भी मैं चर्चा करके आपको बताऊंगा। पहले मैं जरा इस बात को क्लियर कर लूं, जो हमने लिखा है आपके सामने उसे मैं रीड कर देता हूं एक बार। देखिए, हमने लिखा है डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड सम अदर रीजंस, जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ हमने अगली बात आपके लिए क्या लिखी, हमने कहा डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है, क्यों, और इसीलिए एक एक्सपेंस है, इसीलिए क्या करते हैं हम इसको डेबिट कर देते हैं, और जो एसेट है उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रिजल्ट जो वैल्यू है डिक्रीज हो चुकी है एक एसेट की, इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं। जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं आप तो जर्नल एंट्री हम लिखते हैं, जिसकी भी बारे में चर्चा करें। जर्नल एंट्री आप करेंगे डेप्रिसिएशन, वैसे मैंने बता दिया ऊपर की एंट्री क्या होनी चाहिए, पर कर दिखा देते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एसेट, नाउ दैट एसेट कैन बी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, कोई भी एसेट जो डेप्रिशिएट हो रही है उसके लिए एंट्री करेंगे। नाम एसेट की जगह उसका नाम आ जाएगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख देंगे एसेट की जगह। ठीक है, नरेशन बींग एसेट डेप्रिशिएटेड, आपने एसेट को डेप्रिशिएट किया। अच्छा, मैं एक बात आपसे कह रहा था वो और डिस्कस कर लूं, आपको समझ में आए तो। हमने आपके साथ पहले भी चर्चा की है कि एक एक्सपेंस वर्सेस एक एसेट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना ही है कि एक एक्सपेंस का बेनिफिट जो है वो विद इन अ ईयर मिल जाता है, विद इन अ ईयर आपको रिसीव हो जाता है, आप रिसीव कर लेते हैं उस बेनिफिट को। ठीक है, विद इन ए ईयर आप उस बेनिफिट को रिसीव कर लेते हैं, वो एक्सपेंस है। एसेट क्या है, जिसका बेनिफिट, एसेट का बेनिफिट, बेनिफिट इज रिसीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लंबे समय बेनिफिट मिलता है एसेट भी एक्सपेंस ही, बट लंबे समय में होने वाला खर्चा है। मैं आपको समझाऊं इस बात को, देखिए, आपने एक एसेट खरीदा, ठीक है, 2015 में, ठीक है, 2016 की शुरुआत हो गई, 2017 की शुरुआत हो गई, 2018 की शुरुआत हो गई, और ये 2019 स्टार्ट हो गया, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपने एसेट मान लीजिए आज खरीदा 4 लाख रुपए में। ठीक है जी, 4 लाख में आपने एसेट खरीदा, और मैंने कहा इसका बेनिफिट बराबर बराबर मिलने वाला है, यानी 4 सालों में एसेट खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो मैंने कहा हर साल का खर्चा कितना है, 1 लाख रुपीज, इस साल का, इस साल का भी 1 लाख रुपीज, इस साल का भी 1 लाख रुपीज, और यहां लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में भी 1 लाख रुपीज। तो एसेट जो आपने आज एसेट माना है,
इसको क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। 1 लाख कम किया तो 3 लाख बच गया, फिर 1 लाख कम किया तो क्या हुआ, 2 लाख बच गया, एंड सो ऑन। फिर 1 लाख कम किया, 1 लाख बच गया, और आखिरी में 1 लाख फाइनली आपने कम कर दिया तो आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, निल। तो एसेट भी खर्चा है पर लंबे समय में होने वाला। देखो ना, आप अब पहले के एसेट मान रहे थे इस 4 लाख में से, ये 4 में से 1 माइनस किया तो ये एसेट था, इसे एक्सपेंस किया तो एसेट कितना बचा, ये बचा। फिर एक्सपेंस किया तो एसेट क्या बचा, ये बचा। फिर एक्सपेंस हुआ, यानी एसेट धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो एसेट भी खर्चा ही है पर धीरे धीरे होने वाला है, इसीलिए इसका नाम एसेट रखा है। क्यों रखा है इसका नाम एसेट, और क्यों इसे खर्चा नहीं माना गया, क्योंकि इसका बेनिफिट लंबे समय में मिलने वाला है, और उस साल में जितना बेनिफिट आप डराइव कर लेंगे उसे आप खर्चा मान लेंगे। जैसे इस साल में हमने 1 लाख रुपए का बेनिफिट ड्राइव कर लिया, 1 लाख को एक्सपेंस मान लिया, तो वही हमने किया। जर्नल एंट्री इसीलिए ऐसी हुई कि हमने बेनिफिट जो डराइव कर लिया उसके लिए एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, और इस साल खर्चा मान लिया, इसलिए डेप्रिसिएशन नाम से इस अकाउंट को डेबिट कर दिया। आप नीचे की बातें ज्यादा समझ में ना आए अभी तो कोई इशू नहीं है, ये हम नए चैप्टर में करेंगे डेप्रिसिएशन वाले में। आप तो अभी ये समझे, जब एक एसेट रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, तो आप क्या एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट। चलिए ठीक है जी, आइए आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, आपको अगर थ्योरेटिकल पॉइंट नोट करने हैं तो ठीक है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर प्रीपेड एक्सपेंस वाला, और फिर आपको मैंने दिखाया डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। और ये एग्जांपल अगर आपको अभी समझ नहीं आए ये 4 सालों में हमने क्या किया, तो इसे हम आगे दोबारा आपके साथ चर्चा करेंगे, पूरा चैप्टर है इसका हमारे पास। ठीक है जी, चलिए इसे लिखिए फिर आगे चल रहे हैं। हाँ जी बेटा, तो जो बच्चे हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखते हैं, मैं उनको कुछ डिटेल्स बता दूं हमारी क्लासेस के बारे में। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है, ये है SR अकाउंटेंसी क्लासेस। ठीक है, ये हमारे YouTube चैनल का नाम है। आप हमारी यहाँ सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हम वीडियो YouTube पे अपलोड करते हैं आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो हमें Facebook पर भी फाइंड कर सकते हैं SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से ही। ठीक है ना, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप हमारे वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ रहे हैं, और वहां पे अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आपका उसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है ये मैं बताऊं। जब आप वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कॉलम आता है, उस कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट और क्वेरी लिख सकते हैं, और उन पर मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा। तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके उस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको अपना नंबर दे देता हूं, 9261004×7। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे, तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, एक अलर्ट आ जाएगा, यानी आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद एक जनरल क्वेरी आती है बच्चों की हमारे पास कि उन्हें वीडियोस ऑर्डर में नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन 1 मिल गया किसी चैप्टर का, तो क्वेश्चन 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, या क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है? तो उसके लिए आपको मैं बताऊं, आप जब वीडियोस को देखते हैं तो हम चैनल पर प्लेलिस्ट डाल के रखते हैं। ठीक है ना, प्लेलिस्ट हमारी क्लास वाइज है, चैप्टर वाइज है। आपको चैप्टर 1 की वीडियोस देखने हैं तो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप उन्हें सीक्वेंस ऑर्डर में देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो हमें पहले देखना है आगे वाले वीडियोस को समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप कोई भी वीडियो प्ले कर देते हैं तो उसके पीछे कुछ एक बैकग्राउंड मटेरियल होता है, अगर आप उसे देखे बगैर आगे आ गए तो शायद आपको बातें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आप वीडियोस को देखें तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखा कीजिए। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक चीज मुझे और बतानी है आप लोगों को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कांटेक्ट नंबर मैंने आपको गिवन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट वीडियोस का एसेस आपको कैसे मिल सकता है, आप हमारी कंप्लीट कोर्स का एसेस ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल नहीं है, पार्ट ऑफ वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मुझे बताना था आप लोगों को, अब आप हम आगे चलेंगे इसके बाद, ठीक है।